उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड से सबक लेते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने रविवार को नैनीताल जनपद में अवैध रूप से चल रहे होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। प्रशासन ने नैनीताल में दो और मुक्तेश्वर में एक होटल को सीज किया है। अपर जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद नैनीताल में चल रहे सभी होटल्स, रिजॉर्ट और होम स्टे का सत्यापन किया जा रहा है। डीएम सर के निर्देशों में पूरे नैनीताल परगने में जो जितने भी हमारे अवैध रूप से संचालित होम स्टे हैं, रिजॉर्ट हैं, होटल हैं या ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे कि गेस्ट को रुकाया जा रहा है और जहाँ प्रॉपर पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, ना ही गेस्ट की कोई जानकारी ली जा रही है, ना ही उनकी आईडी वगैरह ली जा रही है, उन सभी का सत्यापन और वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज नैनीताल सर में मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। मेरी टीम मेरे साथ पर्यटन अधिकारी हैं, तहसीलदार नैनीताल हैं, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष तल्लीताल हैं। इसके अलावा हमारी एक टीम नायब तहसीलदार की के साथ रामगढ़ और मुक्तेश्वर में निरीक्षण कर रही है। जहाँ पे भी ऐसे प्रतिष्ठान पाए जा रहे हैं उनको हम या फिर सीज कर रहे हैं या नोटिस दे रहे हैं और विधि अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक नैनीताल शहर में दो और मुक्तेश्वर में एक प्रॉपर्टी हमने सीज कर दी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कहीं भी पंजीकृत नहीं है, जबकि नियमानुसार उनको पर्यटन विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा कईयों के पास जीएसटी का पंजीकरण नहीं है, कईयों के पास खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा कईयों के द्वारा जो भी उनके यहाँ गेस्ट रुक रहे हैं उनका प्रॉपर विवरण, उनकी आईडी वगैरह नहीं ली जा रही। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों पर सख्ती की जा रही है।